विजय कुमार जी मुंबई से हैं। विजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर, जी मेरे पास 4000 वोडाफोन के शेयर्स है एट द रेट ऑफ 9.25 रुपी पर शेयर, और मेरे पास फेडरल बैंक भी है, टोटल 850 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 48 रुपीज पर शेयर, और मेरा ओके, इसमें लंबा नजरिया है, मैं लॉन्ग टर्म तक रुक सकता हूँ इसमें, दोनों में तो मुझे एडवाइस चाहिए था आपका। यस सर, दोनों में। ओके। एक पहले तो आप वोडाफोन पे बताइए अल्पेश, ये स्टॉक जो है ना ट्रेडर्स फैंसी है, बहुत सारे लोगों ने इस पे ले रखा है और बहुत ही ज़्यादा खबरें इसमें चलती रहती हैं, हालांकि जिस प्राइस पे इन्होंने लिया है वहाँ से इनको फ़ायदा है और ये बने रह सकते हैं, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, काफी कुछ न्यूज बेस काउंटर है, और मैं समझता हूँ कि जब बाजार में इस तरह का बुलिश रन चल रहा है तो आपको इस तरह के स्टॉक के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक टेक्निकल नजरिया देता हूँ कि 14 रुपए तक की एक रैली जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, 14 रुपए तक की एक रैली यहाँ पर बन सकती है। 14 के पास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो सप्लाई जो एब्जॉर्ब करना उसको बहुत ही जरूरी है, शायद से उसके लिए काफी वक्त भी लगा सकता है। लेकिन 14 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाएगा तो करीबन ये फिर 20 रुपए तक के मूव के लिए भी यहाँ पे तैयार हो सकता है। और जहां तक बात रही पेट्रोल बैंक की, तो मैं इनको कहूंगा 70 रुपए में का एक क्लोजिंग मिनट स्टॉप मिनट रखना। वोडाफोन में नीचे कहां पे स्टॉप लॉस लगाए? 9.60 इनकी खरीद है। सी 9.60 रुपए की इनकी खरीद है, तो मैं समझता हूँ कि बाइंग प्राइस ही इनका स्टॉप लॉस देगी। देखिए, क्योंकि इस प्रकार के स्टॉक में अगर आपको एक अच्छे से रिसेंट रिटर्न भी चाहिए, आपने 1 रुपए 2 रुपए के लिए तो ट्रेड किया नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ बाय प्राइस जो है आपकी, वही आपका फिर स्टॉप लॉस यहाँ पर बन जाता है। ओके, हाँ फेडरल बैंक में बताइए। मैं इनको कहूंगा कि यहाँ पे 70 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके ये इनके अंदर बने रह सकते हैं। जितना ये स्टॉक 70 रुपए के ऊपर मेंटेन रहेगा, मैं यहाँ पे समझता हूँ कि एक पॉजिटिव व्यू आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मूव है वो करीबन 90 के ऊपर जो है वो मुझे लगता है कि अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में आपको करीबन ये स्टॉक 105 से लेकर 110 की तक की रैली के तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा सा एक ब्रेकआउट इसको अंदर जो मिलेगा फेडरल बैंक वो 90 रुपए के ऊपर तक का ही मिलेगा। ओके, तो इसमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है। अच्छा, फेडरल बैंक में अभी इन्होंने हाल फिलहाल में अशोक लेलैंड या कई कंपनियों के साथ टाई अप भी किया है, तो उसके ज़रिए भी बिज़नेस फ़ायदा इनको हो सकता है। वोडाफोन में चूंकि विजय जी लंबे समय के लिए रुकना चाहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग बढ़िया ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, तो इसमें बड़ी क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें, लेते बेचते रहें, एकदम बने रहना भी बहुत वाइज आइडिया नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं क्या होगा, कौन सी खबर आ जाएगी, कब क्या होगा, तो इसमें जब भी फायदा मिले निकल जाइए और जब नीचे आए तो फिर ले लीजिए, ये भी एक स्ट्रेटजी इसमें हो सकती है।